तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी पावर ग्रिड में वैकेंसी है, जो दोस्तों ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी, फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल और सिविल से, तो यहाँ पे बता दिया गया है डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, टोटल 15 वैकेंसी है, और जो कैटरी वाइज है वो बता दिया गया आपको, और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए 5 वैकेंसी है और कैटरी बता दिया, इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो है 20 है। ठीक है, बात आती है कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, तो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जो रिलेटिव ब्रांचेस से होना चाहिए, और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो वैलिड होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, और आपका 70% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल में हो, ठीक है, ओबीसी में हो, अच्छा और EWS कैटेगरी में हो, अगर आप SST PWD कैटेगरी में, तो 5 मार्क्स चलेगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप BTech, BEME, MTech, ETC विद एंड विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। यहाँ पे जो ब्रांचेस बताएं रिलेटिव वो बताएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल 2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 27, 30 के बाकी का 30 OBC के लिए, 32 SST के लिए। यहाँ पे दोस्तों जो है जैसे सेम टू सेम डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल वालों के लिए है, ठीक है, लेकिन ब्रांच रिलेटिव होनी चाहिए, बस इतना इसमें अलग है। यहाँ पे दोस्तों जो छूट दी गई एज के लिए वो बता दी गई, यहाँ पे जो भी छूट और भी बहुत सारी छूट दी गई हैं वो सारी यहाँ पे आपको बताई गई अच्छी तरीके से। बात आती है सिलेक्शन के तरीके की, तो दोस्तों हम सिलेक्शन का तरीका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और रिटर्न उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बता दिया पार्ट वन में क्या क्या 120 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे जो ATK होंगे, उसमें TKT, PKTK होंगे, यहाँ पूरा अच्छे तरीके से बता दिया गया आपको, रिटर्न टेस्ट किस तरीके से उसका वैलिड होगा, कैसे कैसे मतलब काउंट किया जाएगा, टेस्ट सेंटर यहाँ पर बता दिया, जैसे लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, बरेली रहेगा, ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई, आपका ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या रहेगा पूरा यहाँ पर आपको समझाया गया, बाउंड भी बताया गया कि बाउंड रहेगा, ठीक है, सर्विस बाउंड रहेगा, तो उस अगर 3 ईयर तो वहाँ पे आप अगर इसे तोड़ते हो जनरल OBC EWS कैटेगरी वाइज तोड़ते हो तो 2.5 लाख, अगर SC ST PWD कैटेगरी तोड़ते हो तो 1,25,000, ठीक है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 300 रुपये लगने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना रहेगा www.powergrid.in, उसके करियर ऑप्शन में जाओ, जॉब अपॉर्चुनिटी ओपनिंग में जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे पहले जाने से पहले देखो क्या क्या साइजिंग होनी चाहिए आपके पास, फ़ोटो का 50 KB JPG फॉर्मेट है, सारी चीज़ें बताई गई हैं, उन्हें आप खुद से पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। यहाँ पे जो भी जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो यहाँ पर बताया गया, आप इंडियन होने चाहिए, एज लिमिट मिनिमम 18 होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझाई गई। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 18/6/2021 10 बजे से, लास्ट डेट है 8/7/2021 midnight 11:59, कट ऑफ डेट है 8/7/2021, रिटर्न टेस्ट जो होने का है वो 22/8/2021, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू है मेहसाना यूनिट के लिए, 20 जनवरी 2021 संडे को इंटरव्यू होने वाला है, 11 से 3 बजे तक होने का है। यहाँ पे आप अपना CV भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेल आईडी दी गई है ISHA.SHAH@EMCURE.CO.IN, नेक्स्ट मेल आईडी भी दी गई है यहाँ पर, जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं।
यहाँ पर जो वैकेंसी क्यूसी केमिस्ट के लिए एनालिस्ट, तो यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियरिंग में प्लांट मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी है, जहाँ बीबीटेक मैकेनिकल 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस। एचवीएसी वाटर सिस्टम टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी, डिप्लोमा आईटी मांगा गया है। नेक्स्ट क्यूए है, क्यूए के लिए हेड क्यूए आईपीक्यूए क्यूएमएस। यहाँ पर बी फार्मा एम फार्मा 2 से 12 साल का एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए वैकेंसी। एमएससी वी फार्मा एम फार्मा 2 से 12 साल का एक्सपीरियंस। और ऑपरेटर के लिए वैकेंसी, जहाँ पर डिप्लोमा आईटी मांगा गया है। क्यूसी माइक्रो के लिए वैकेंसी, जहाँ पर एमएससी माइक्रो बायोटेक 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस। ये पूरा लोकेशन यहाँ पर बता दी गई जो इंटरव्यू होने का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, गुजरात महसाना में ही होने का है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी कोड दिया हो गया है। यहाँ पे बीटेक बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस, या आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस आपको पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइज़र रिफाइनरी ऑयल एंड गैस का होना चाहिए। पैकेज आपको यहाँ पर बता दिया गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर, यहाँ पर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 5 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से तो 8 साल का एक्सपीरियंस, आईटीआई इलेक्ट्रिकल से तो 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो रिलेटिव एक्सपीरियंस आपको बता दिया गया। नेक्स्ट बात करूँ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, जहाँ पर बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन से मांगा गया है। जहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस की मिनिमम 8 साल का, या आपका डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन से है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ इंस्ट्रूमेंट जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, जहाँ पर दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा आपके पास तो 8 साल का एक्सपीरियंस, आईटीआई है तो यहाँ पर आपको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी दी गई, जिस पर अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। बिफोर 25/6/2021 hr@shgroup.com यहाँ पर अपना सीवी ड्रॉप कर दें अगर आपके ज्वाइन करना है तो। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं 9909981191। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस और आपका बीटेक होना चाहिए, CSIT MCA होना चाहिए। नकलो लोकेशन और मेल आईडी आपको यहाँ पर दी गई, जिस पर आपको अपना सीवी ड्रॉप करना है। SAMNA.HASAN@INVENTICS.TECH। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस और मेल आईडी है FNEHA.PACHBHAI@SMSL.co.in। कॉन्टैक्ट नंबर 8550923131। नेक्स्ट वैकेंसी SSV रसायन प्राइवेट लिमिटेड में है। यहाँ पर आप देखोगे तो पोजीशन का कोड दिया गया है दोनों का। यहाँ प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी, जहाँ 45 वैकेंसी, डिप्लोमा केमिकल और BSc केमिस्ट्री, 8+ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रोकेमिकल का और केमिकल प्लांट का नॉलेज होना चाहिए। DCS वाले को प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ। नेक्स्ट है MEE प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए, जहाँ पर 10 पोजीशन है, डिप्लोमा केमिकल BSc केमिस्ट्री वाले 8+ ईयर एक्सपीरियंस, जो एग्रोकेमिकल केमिकल प्लांट का है वो लोग यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। 26/6/2021 से पहले अप्लाई करना रहेगा। recruitment@bihsraasa.com पे अपना CV ड्रॉप करना रहेगा यहाँ पे। लेकिन आपको अपना जॉब कोड जरूर डालना, सब्जेक्ट में मेंशन करना, ये ध्यान रखें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। नेक्स्ट HDFC बैंक में वैकेंसी, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव सेल्स के लिए वैकेंसी है। यहाँ पेमेंट बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट ओनली और यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन लिंक दी गई है। 21 जून 2021 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। यहाँ इंटरव्यू जो होने वाला है वो 22 जून 2021 को होने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है, 9182280707। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे HVAC यूटिलिटीज़ के लिए वैकेंसी है, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस। प्रोसेस मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी, मैकेनिकल 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस। प्रोसेस मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस। डॉक्यूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। वाटर सिस्टम के लिए वैकेंसी है, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है OHD का जिसको है नॉलेज उसे प्रेफरेंस मिलेगा। मेल आईडी यहाँ पर दी गई, जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। CARERS@EVERTOGEN.COM।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटर के लिए 4-4 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, तो अलग अलग ऑपरेटर के लिए। और ये जो है मेल आई डी दी गई जिस पर अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं, CARERS@EVERTOGEN.com, कॉन्टैक्ट नंबर 7674990319। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा वॉकिंग इंटरव्यू है 20 जून 2021 को संडे को होने वाला है 10 से 4 बजे तक, अहमदाबाद में होने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर 7069663662। यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी ऑपरेटर में, जहाँ पर डिप्लोमा आई टी बी ए बी कॉम दिया 1 से 7 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियरिंग वैकेंसी ऑपरेटर के लिए डिप्लोमा आई टी 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एड्रेस आपको मैं जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ, ये एड्रेस है पूरा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी इंटरव्यू 20 जून 2021 संडे को होने का है 10 से 4 बजे तक, अहमदाबाद लोकेशन। कॉन्टैक्ट नंबर 7069663662। यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्शन वैकेंसी है ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एम फार्मा, बी फार्मा, एम एस सी, बी एस सी, 0-7 ईयर एक्सपीरियंस फ्रेशर भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैकिंग के लिए ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एम फार्मा, बी फार्मा, एम एस सी, बी एस सी, 0-7 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस के लिए वैकेंसी है ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, ठीक है, यहाँ बी ए बी कॉम एम कॉम होना चाहिए, 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बी ई एम ई मैकेनिकल, 0-7 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्यू ए के लिए ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, एम फार्मा, बी फार्मा, एम एस सी, बी एस सी, 1-7 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर बता दिया गया, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एड्रेस, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट के लिए वैकेंसी, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 0-3 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ एम, डीएम, जीएम के लिए वैकेंसीज हैं, पूरा एक्सपीरियंस आपको बता दिया गया। मेल आईडी यहाँ पर दी गई है recruit@nashik@wns.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे जो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड दहेज गुजरात लोकेशन के लिए 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन है BBTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेल आईडी यहाँ पर दी गई जिस पर अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं, HR@GFL.co.in, या आप GFL के करंट ओपनिंग में जाके भी अप्लाई जाके कर सकते हैं, वहाँ पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों QC के लिए, तो बायोटेक डिवीजन, जहाँ पर MTech, BTech, MSc इन बायोटेक बायोकेमिस्ट्री, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है दोस्तों अपस्ट्रीम प्रोसेस बायोटेक डिवीजन, जहाँ MTech, BTech, MSc इन बायोटेक बायोकेमिस्ट्री, 4-4 साल का एक्सपीरियंस। मेल आई दी गई यहाँ पर, जहाँ पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, HR@JDNOTECH.in। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे परचेज मैनेजर के लिए वैकेंसी है फार्मास्यूटिकल API सूरत लोकेशन, जहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए वैकेंसी सूरत लोकेशन, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। RA के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी सूरत, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। QA एग्जीक्यूटिव IPQA के लिए बड़ौदा लोकेशन के वैकेंसी, 3 साल का एक्सपीरियंस। मेरा आई यहाँ पर देखिए जिसको अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं, HR@TRIDENTLIFELINE.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों सीनियर केमिस्ट एग्जीक्यूटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर BTech BE केमिकल इंजीनियरिंग, 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मेल आई डी है HR@CLINIVENT.com। तो दोस्तों यहाँ पर ना CV ड्रॉप कर सकते हैं आप।